दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो बंधन बैंक की तरफ से निकाली गई है। दोस्तों बंधन बैंक की तरफ से 5 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों दिए गए इंटरव्यू लोकेशन पर जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। अब कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे ताकि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहें और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर प्रतिदिन आपको इसी प्रकार के जॉब से संबंधित वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वेबसाइट पर आने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा। दोस्तों नीचे जाने के बाद पहला जो पोस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा ब्रांच हेड का, और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका ग्रेजुएशन रखा गया है। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है आपका 18 साल से लेकर 35 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए, और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी माइक्रो फाइनेंस या फिर बैंकिंग सेक्टर में काम करने का, तभी जाकर दोस्तों आप ब्रांच हेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो पोस्ट है वह आपका सेल्स मैनेजर का, और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका ग्रेजुएशन रखा गया है। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है आपका मैक्सिमम 35 साल आपका एज होना चाहिए, और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप सेल्स मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा जो पोस्ट है वह आपका कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर का, और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका ग्रेजुएशन रखा गया है। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है आपका मैक्सिमम 32 साल आपका एज होना चाहिए, और इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप रिलेशनशिप ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों चौथा जो पोस्ट है वह है आपका आरएम का, और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका ग्रेजुएशन रखा गया है। दोस्तों इस पोस्ट के लिए भी आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी माइक्रो फाइनेंस या फिर बैंकिंग सेक्टर में काम करने का, तभी जाकर दोस्तों आप आरएम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पांचवा जो पोस्ट है वह है आपका अकाउंट मैनेजर का, और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका ग्रेजुएशन रखा गया है। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है आपका मैक्सिमम 30 साल आपका एज होना चाहिए, और इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी माइक्रो फाइनेंस या फिर बैंकिंग सेक्टर में काम करने का, तभी जाकर दोस्तों आप अकाउंट मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पांचों पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास एक बायोडाटा होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लास्ट क्वालिफिकेशन का मार्कशीट होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, और लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप भी होना चाहिए। दोस्तों ये सारे चीज़ आपके पास होने चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू का एड्रेस है वो है आपका आगरा उत्तर प्रदेश का। दोस्तों इस एड्रेस पर जाके आप एक इंटरव्यू पास करके इस जॉब को आसानी से पा सकते हैं।